दया दरवाजा तोड़ो से लेकर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे हजारों मीम्स का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सीआईडी को जाता है। अगर आप टीवी देखते हुए बड़े हुए हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको सीआईडी और सोनी टीवी चैनल के बारे में नहीं पता होगा। सोनी टीवी अगर जाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ सीआईडी के लिए। आज के समय में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी चैनल्स पर 45 मिनट्स के एपिसोड हद से ज्यादा फेमस हो चुके हैं। आज लोग मूवी से ज्यादा इन टीवी सीरीज को देखना पसंद करते हैं, लेकिन सीआईडी ये बात बहुत पहले जान गया था कि इंडिया के लोगों को ये 45 मिनट्स का कंटेंट देखने में कितना ज्यादा मजा आता है। अब देखो यार, प्लॉट बहुत ही सिंपल था। हर एपिसोड में किसी न किसी सिविलियन का मर्डर हो जाता था, सीआईडी टीम को बुलाया जाता था, सीआईडी की टीम वहां जाकर सबूत ढूंढती थी, उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजती थी, कभी कभार खूनी का स्केच भी बनवा दिया जाता था और सबसे अंत में दरवाजा तोड़कर फाइनली दया खूनी को पकड़ लेता था। अब देखा जाए तो 1000 एपिसोड्स में कम से कम 500 एपिसोड्स का प्लॉट एग्जैक्टली यही है। लेकिन तब भी जिस तरह से इसने मेरे बचपन को इतना रोमांचक बनाया था कि आप सोच भी नहीं सकते, हम भारतीयों के लिए ये पहला मर्डर मिस्ट्री कंटेंट था जिसे आज के समय में भी कोई भी टॉप नहीं कर सकता। सीआईडी की शुरुआत साल 1998 में हुई थी और ये लगातार साल 2018 तक रन होता रहा था। सीआईडी की टीवी सीरीज उस गोल्डन टाइम में आया करती थी जब हम शाकालाका बूम बूम हातिम सोनपरी और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखा करते थे। अब दोस्तों, आज की जेनरेशन जब मुझसे ये पूछती है कि आप लोग बिना मोबाइल के उस वक्त में कैसे रहा करते थे, तो मैं उन्हें इन्हीं शोज के बारे में बताता था। मैं आपको इसके ऐसी हजारों चीजें बता सकता हूँ जिसने इसे इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाया था। सबसे पहली और सबसे मेन चीज थी इसके एक्टर्स, एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, डॉक्टर सालुंके, तारिका, कम से कम इन पांचों का नाम तो हम सब अच्छे से ही जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पहली बार अभिजीत को सीआईडी में लाया गया था तब एक क्रिमिनल के रूप में लाया गया था, लेकिन फिर अभिजीत एसीपी प्रद्युमन की वजह से एक सीआईडी ऑफिसर बन जाता है। अब अगर आप देखें तो सीआईडी में ज्यादातर सभी मेन एक्टर्स मेल ही हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं थी। इसका कंटेंट था ही इतना ज्यादा जबरदस्त। बेशक अभिजीत और तारिका या दया और श्रेया के बीच लव स्टोरी जैसा कुछ दिखाया गया था, लेकिन कभी भी इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। ये शो मेनली मर्डर मिस्ट्री पर ही बेस्ड रहा करता था, लव स्टोरी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही सटली दिखाया जाता था। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि हम सबको अभिजीत और तारिका जी की केमिस्ट्री बेहद ही पसंद थी। मैं तो हर बोरिंग एपिसोड देखा इसीलिए करता था ताकि अभिजीत को तारिका के साथ फ्लर्ट करते हुए देख सकूं। अब देखो, एक बात मुझे माननी पड़ेगी कि बचपन में मुझे लगता था कि सीआईडी एग्जैक्टली ऐसी ही काम करती है और रियल में ये सभी एक्टर्स सीआईडी वाले ही हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हर एपिसोड के शुरुआत में जब भी कुछ होता है तो लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं, तुरंत सीआईडी को बुलाओ। अब पता नहीं सीआईडी वाले यूनिवर्स में पुलिस एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। अब आखिर एक सिंपल चोरी के मामले में कोई सीआईडी को क्यों ही बुलाएगा? और वैसे सीआईडी को बुलाया कैसे जाता है? फॉरेंसिक लैब वाले सीन्स मुझे स्पेशली सबसे ज्यादा पसंद थे। डॉक्टर सालू के कोई ना कोई केमिकल टेस्ट या फिंगरप्रिंट निकाल के सीआईडी को एक तगड़ा सबूत दे देते थे। लेकिन सच तो यह है कि फॉरेंसिक लैब का काम बहुत ज्यादा हार्ड है, हर बार वहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। और तो और, जिन फिंगरप्रिंट्स को आप सीआईडी शो में इतने आसानी से देख लेते हो ना, वो रियल लाइफ में बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। अब कई बार तो आपने देखा होगा कि प्रोफेसर सानू के सबूत को अपने मुंह से टेस्ट करके दिखाए गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि फॉरेंसिक लैब में कोई भी वैज्ञानिक कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन देखो यार, यही चीजें तो थी जिसने हमें इतना ज्यादा एंटरटेन किया था। अब मैं ये सब बातें बोलकर सीआईडी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में किसी भी सीरीज के अंदर फिक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सीआईडी ने तो वो वाला पॉइंट हिट कर दिया था जिसमें ऑडियंस का बताना मुश्किल होता है कि ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता। एक तरह से शो ने हमारी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया था। सीआईडी ने अपने लाइफ टाइम में 40 से भी ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं। जितने भी अवार्ड्स जो एक इंडियन टेलीविजन सीरियल को मिल सकते थे, सीआईडी ने वो सभी अवार्ड्स जीत रखे हैं। साल 2004 में तो उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कर लिया था। 9 अक्टूबर साल 2004 को लोनावला में सीआईडी की टीम ने 111 मिनट के पूरे एपिसोड को एक ही बार में शूट कर लिया था। आज भी आप इस एपिसोड को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, बस सर्च कीजिए सीआईडी द इनहेरिटेंस एपिसोड। अब सीआईडी उन गिने चुने सीरियल्स में से है जिसने इन
इंटरनेशनली भी शूट किया है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लंदन, हर जगह इसके एपिसोड्स की शूटिंग हुई है। अब दोस्तों इंडिया में भी इसके एपिसोड्स को तेलुगु, तमिल, बंगाली हर लैंग्वेज में डब करके दिखाया गया है। अब आपको जरूर याद होगा कि सीआईडी की टीम में फ्रेडरिक्स नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता था जो बहुत ही फनी था, ये सभी का फेवरेट कैरेक्टर था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्टर ने कई बार शो के एपिसोड्स भी लिखे हैं। राइटिंग और एक्टिंग ही वो चीज है जिसने इस शो को अपने कंधे पर बिठाकर पॉपुलैरिटी की चोटी पर पहुंचा दिया था। हर एक एपिसोड यूनिक हुआ करता था, जरूरी नहीं है कि हर एपिसोड में मर्डर ही हो, कभी कभार कोई किडनैप हो जाता था तो कभी कभार कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले होते थे। अब मेरे फेवरेट एपिसोड्स तो वो है जब सीआईडी की टीम में कुछ गड़बड़ हो जाती थी, जैसे कि अभिजीत की याददाश्त चले जाना या किसी खूनी का स्पेशली सीआईडी ऑफिसर्स के ऊपर हमला करना। अब बदकिस्मती से इस तरह की स्टोरीज अब हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। देखो साल 2018 में ऑफिशियली सीआईडी के नए एपिसोड्स को शूट करना बंद कर दिया गया था। सीआईडी में काम करने वाले एक्टर्स ने कहा कि एक दिन जब वो पहले की ही तरह एपिसोड्स की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि अब से शूटिंग नहीं होगी। यहाँ तक के शो के प्रोड्यूसर्स को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अब देखो कहा जा रहा है कि शो के मेकर्स और चैनल के बीच कुछ अनबन हो गई थी, इसीलिए इसे ऑफ एयर कर दिया गया। लेकिन देखो सच ये है कि कुछ सालों से सीआईडी की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही थी। मुझे याद है कि सीआईडी के नए एपिसोड्स रात को 10 बजे सोनी टीवी पर आया करते थे, लेकिन उसका टाइम स्लॉट लेट नाइट का किया जाने लगा जब बहुत कम लोग टीवी देखा करते थे। इससे टीआरपी तेजी से गिरने लगी। अब यहाँ पर एक और वजह हो सकती थी कि जब सीआईडी शुरू हुआ था तब उसके सभी एक्टर्स नए थे, उन्हें सीआईडी की वजह से ही फेम मिला था और बहुत से एक्टर्स को बॉलीवुड में काम करने के लिए भी बुलाया गया था। अब हो सकता है कि वो एक्टर्स सीआईडी की शूटिंग में वो पहले जैसा टाइम नहीं दे पा रहे हो। वजह कुछ भी हो, अंत में सोनी टीवी ने यह फैसला लिया था कि वो सीआईडी को ऑफ एयर करने वाली है, लेकिन उन्होंने भी बहुत चालाकी से इस डिसीजन को अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि सीआईडी एक टेम्पररी ब्रेक पर जा रहा है और कुछ सालों के बाद एक नए कॉन्सेप्ट और स्टोरीज के साथ दोबारा रिटर्न करेगा। अब सीआईडी के एक्टर्स तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं दोबारा अपने रोल को अपनाने के लिए, लेकिन आज 5 साल होने वाले हैं सीआईडी को बंद हुए और अब तक किसी चैनल से कोई पक्की खबर नहीं आई है कि सीआईडी शुरू होने वाला है। अंशा सैयद जो सीआईडी में पूर्वी का रोल प्ले करती है, उन्होंने जरूर कहा है कि सीआईडी दोबारा से ऑन एयर जाने वाला है और वो भी सेम कास्ट के साथ जो पहले थी, लेकिन जब तक ऑफिशियल सोर्सेस से कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी दोस्तों ये कहानी थी सीआईडी के राइज एंड फॉल की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीआईडी को बंद करना एक सही डिसीजन था या फिर इसे भी आज लगातार रनिंग में ही रखना चाहिए था? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताना और अगर आप एक सीआईडी फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।